केरल में हो रही इंटरमीडिएट परीक्षाओं का औचक निरीक्षण बीजेपी राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने किया। इंटरमीडिएट परीक्षाओं का औचक निरीक्षण, इंटरमीडिएट कॉलेजों में जाकर किए सीसीटीवी कैमरा चेक, हो रही 10वीं-12वीं की परीक्षा कक्ष में जाकर किया क्लासरूम चेक, कहा हमारी सरकार में नकल जैसे शब्द अब एक शब्द बनकर रह गया है। बच्चे बेबाक बेफिक्र होकर दे रहे परीक्षा, शिक्षक नहीं है तनावपूर्ण, अब बच्चे योग्य बनेंगे और जिन बच्चों में काबिलियत है वो ही समाज में आगे बढ़ेंगे। मामला परीक्षा चल रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई है, लेकिन हमने देखा सब बढ़िया एकदम। कितने कॉलेजों का निरीक्षण किया है? अभी ये मैंने दूसरा किया है, अब जा रही हूँ, बहजू जा रही हूँ। कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कॉलेज में? इसमें तो क्लास के हिसाब से, हाँ, बच्चों की संख्या के आधार पर सब लगाए गए हैं। लगभग प्रदेश में 56 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और उसमें 1,88,000 मेरे शिक्षक की ड्यूटी लगी हुई है, तो हम सारी व्यवस्था सब एकदम अच्छी है और सारे सेंटरों पर हमारे सीसी कैमरे लगे हुए हैं जो लखनऊ से ही हर जगह से मतलब देखे जा सकते हैं, कहीं का कुछ भी देखा जा सकता है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के अंदर तनाव नहीं है, शिक्षकों के अंदर घबराहट नहीं है।